की बात हुई थी, मम्मी मम्मी भी आई थी, पापा भी आए थे, तो रिश्ता तो कर दिया है, तेल हल्दी भी कट हो गई है। यार तुम अच्छे हो, सब कुछ तुम ही कर दो ना, मतलब मेरी क्या जरूरत है यार। पापा सुनो तो सही, पापा नहीं यार, तो पहले भी तुमने यही चक्कर चला रहा है। शादी अभी हुई नहीं है, अभी जब तक नहीं होनी थी शादी, जब तक तुम नहीं आते, समझ गया ना, तेरी वजह से ही सारे कांड हो रहे हैं। पहली बार तो तूने मेरा कहना नहीं माना, तुम किचन भर तू चुप रह, तू यहाँ पर क्या कर रही है, सब दोनों मिली भगत चल रही, तुम्हारे दोनों की मिली भगत क्या चल रही है और क्या, मैं यहाँ भी फंसी वहाँ भी फंसी, हुआ ना वही हाल हुआ। क्या फंसी, मम्मी की कोई गलती नहीं है, मम्मी तो नॉर्मल वही कर रही है ना, जो मतलब जो तू कह रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आपने देखा राधिका के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से अभी शादी रुक गई है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग शादी करेंगे। तो गाइज आज फाइनली मेरे पापा गांव से आने वाले, मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि गाँव से वो निकल चुके हैं और यहाँ पे बाहर उनको जो है रिसीव करना है। तो देखते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि राधिका से शादी के मामले में पापा कुछ दखल अंदाजी करेंगे या रोकेंगे, मुझे लगता है पापा मान ही जाएंगे और मम्मी ने कुछ ना कुछ उनको बताया ही होगा। तो जो भी होगा वो पापा गांव का पूरा काम जो खेत वेत का था वो करवा चुके हैं, तो मैंने बोला आप यहाँ पे आ जाओ, शादी की तैयारी में जुट जाओ, लग जाओ। तो पहले उनको लेकर के आते हैं, फिर देखते हैं जो भी चीज़ होगा। आप आ जाओ, कोई नहीं, आओ मम्मी, मम्मी पापा आ गए। हाँ भाई बैठो, बैठ जाओ पापा। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बैठो आप। निपट गया काम आप? हाँ सब हो गया, क्या करा, जिक्र तो करा था ना मैंने, बताया तो था राधिका के बारे में, तो बताया था इसका मतलब ये थोड़ी कि फिर मेरे को बिल्कुल नहीं समझो, तुम अपना परिवार का सदस्य, मेरे को सदस्य तुम तो मेन हो, बड़े ही हो तुम तो, मैं ना छुपा लेते हो तुम यार, अगर बाप हो यार तुम्हें पापा छुपाने वाली क्या बात है, और मम्मी ने आपको बता ही दिया था, और राधिका वैसे भी आपको ही पसंद थी, और ये इधर गुनगुन का जो मामला चल रहा है उसको शांत करने के लिए कहीं ना कहीं शादी तो करना ही था, लड़की ठीक है संस्कारी, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि वो तो बात तुम्हारी ठीक है, तुमने भी देखा है ना उसको, तो देखा तो है, लेकिन यहाँ पे बात, अब तुम वहाँ पे टेंशन ले रहे थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा बहुत बवाल मचा हुआ था। सही बात है, क्या क्या बात आपको बताए, यह कितनी बढ़िया शर्मा जी की लड़की थी यार। अब बच्चे का जब मन है, एक बात बताओ, जब बच्चे का मन नहीं है, अब क्या फायदा, तो एक घर बर्बाद हो रहा, फिर वो घर बर्बाद हो, एक बात बताओ फिर फायदा क्या, ये चीज पहली वाली से वो बात हो गई है, वो तक वो मामला सुलटा नहीं है, और फिर अब ये दूसरा सुलट जाएगा जब ही, तो लेकिन जब ही तो ये करा, नहीं तो बहुत ज्यादा यहाँ से भी बात हुई थी, मम्मी मम्मी भी आई थी, पापा भी आए थे, तो रिश्ता तो कर दिया है, तेल हल्दी भी कट हो गई है। यार तुम अच्छे हो, सब कुछ तुम ही कर दो ना, मतलब मेरी क्या जरूरत है यार। सुनो तो सही, नहीं यार तो पहले अभी जब तक नहीं होनी थी शादी, जब तक तुम नहीं आते, तो उसमें मेरा कोई वो नहीं था, फंसे हुए थे और उनको भी, यहाँ पे कोई मतलब हम लोगों ने नॉर्मली ज्यादा बड़ा नहीं करा, बिल्कुल छोटा सा, बड़े नॉर्मली शादी करने का मुझे बुलाने की जरूरत थी, हर काम में थोड़ी ऐसा होता है, लेकिन पता है उसके घर तक वो लोग जा रहे थे, तो वो फैसला लेना बहुत जरूरी पड़ रहा था। मान लो कुछ हो जाता है तो फिर मेरे को तो जरूरत ही नहीं है मैं बताने की, ये बात हो नहीं है, फिर एंड टाइम पे तुम बुला रहे थे, पुलिस पछड़े हो जाएंगे। अरे ऐसा क्यों समझ रहे हो तुम, क्यों पहले वाले का क्या हुआ था बता रहे जरा, उसमें तो मेरे को भी नहीं पता था ना, मेरे को भी तो यहाँ आने के बाद पता चला था, लेकिन अब तो मैं भी, मैंने तुम्हारे को जिक्र भी तो करा था सारा सारा, जिक्र करने में और करने में कोई फर्क ही नहीं होता, तुमने देखी हुई है ना उसका घर परिवार भी देख लो, गुनगुन के घर परिवार से लाख गुना अच्छा है राधिका का परिवार, उसके मम्मी पापा से मिलके। पापा देखो अभी शादी हुई नहीं है, आपको अगर देखो मैं किसी के खिलाफ जाके शादी नहीं करूंगा, आप बेटा तूने पहले भी ऐसी कहा था और कभी जाता तूने, तो इस बार मेरे को बताना तो चाहिए था ना कि पापा, इसलिए आपको बुलाया तो है ना, अभी हमने शादी से पहले आपको बुलाया, तुमने आधा काम तो कर लिया, जब मेरे को बुला रहे हैं सिर्फ शादी तो करनी है, तो आधा काम कुछ भी नहीं हुआ पापा, बस तेल हल्दी हो गई यार, वो इसलिए हुआ सब कुछ तुम्हारे रोज, वो लोग यहाँ भी आना जाना कर रहे थे, इन लोगों को वहाँ बुला रहे थे,
उनका दिमाग इतना खराब कर रखा था, उनके यहाँ भी कलेश करवा दी। तो कम से कम मेरे को फोन करके बुला तो लेते, मैं भी तो कहता ना बात करता हूँ उनसे फिर। अरे बात तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, एक तरह से ही समझ लो तुम आए तुम ही बात करोगे सारी। हमने एक बस छोटी सी फॉर्मेलिटी कह लो ना, एक छोटा सा वो करा है। अब पता क्या है, वहाँ पे भी कलेश हो रही है, उनका दिमाग भी वो, फिर अब इन दोनों की आपस में बात चल रही, कुछ इधर उधर जाके कर लेते तो दिक्कत होती। अब उधर इसलिए उनको भी रोका है कि भैया जो करना है फिर जल्दी से जल्दी करो। चलो मेरे को वो क्या नाम है लड़की का, राधिका, राधिका से और राधिका के पापा से बात करवा दो, मेरी मेरे को मैं मिलना चाहता हूँ। ठीक है कोई नहीं, मिलवा दे। तुमने हल्दी वल्दी कर दी भाई, हल्दी और तेल फेल मैं नहीं मानता ये। अब मैं जो करूँगा अपने मर्जी से करूँगा। और एक बार बताओ, जब तो तुम भी कह रही थी क्या कहते हैं शर्मा जी की लड़की से करवा दे, अब शर्मा जी की लड़की है, शर्मा जी को मैंने जवान दे रखी है, क्या मैं तो पागल हूँ क्या? जवान अभी क्या जवान, अभी हमारे तुम्हारे बीच में तो बात थी, ये बात होती, ये तो पता है ना कि नहीं तो सर, अब ये थोड़ा पता था कि राधिका से वो कर लेगा ये। अब एक बात बताओ, जो मैं यहाँ रह के परिस्थिति देख रही थी, मैं उस कैसे मैं मेरे को ये बता ना, जब मैं गाँव चला गया हूँ मैं तो मेरे को बताने का वो नहीं होता, मैं शर्मा जी से जाकर के बात कर ली दोबारा फिर। पापा मतलब आप उनसे क्यों बात कर रहे हो? जब तक यहाँ से तुम्हारा वो, तुम्हें ये नहीं पता ना अभी तुम्हारे सामने क्या, अब इतनी हालत खराब हो रही, वो आके देख रही है। अब मान लो वहाँ से मैं गांव से बुलाऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ये शर्मा जी, वो शर्मा जी कहेंगे फिर यार तुमने अच्छा वो पागल बना रखा हम लोगों को, तो उन्हें इज्जत क्या रह जाएगी? क्या देना, जब बच्चे वहाँ रहते तो क्या कर सकते, तुम भी तो वही यही हुआ था उनके साथ, तो उनको पहले की तो कुछ नहीं पता है ना। अब उस लड़की को मैं जानता नहीं हूँ ना कुछ, फिर अचानक से शादी कैसे कर, आप लोग जबान क्यों दे रहे हो? वही वाली बात हो जाएगी जैसे, समझ गया ना, तेरी वजह से ही ये सारे कांड हो रहे हैं। पहली बार तो तूने मेरा कहना नहीं माना, तुम क्यों चुप रहे? तू चुप रह दो, तू यहाँ पर क्या कर रही है? सब दोनों मिली भगत चल रही है, तुम्हारे दोनों की मिली भगत क्या चल रही है? और क्या, मैं यहाँ भी फंसी वहाँ भी फंसी, हुआ ना वही हाल हुआ। क्या फंसी? मम्मी की कोई गलती नहीं है, मम्मी तो नॉर्मल वही कर रही है ना जो जो तू कह रहा है। मैं अब फिर आप इस बात को गलत वे में ले रहे हो। गलत वे में क्या जा रहा है यार, ये गलत वे में जा रहा है यार। यही इसीलिए यही होता है, तुम प्यार से कोई बात सुनते नहीं हो, गरम पहले हो जाते हो, फिर यही होता है, फिर तुम मेरे को कहते हो। अब बच्चा उसी से कहेगा ना जो सुने उसकी बात, क्या करती बता रहे, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना। जब हम बच्चे हैं तो मैं ऐसे चिल्ला दोगे, तो इसीलिए यही हाल होता है, फिर इधर मैं फंस जाती हूँ। कल को देर को ये ना पूछेंगे भाई मैं शादी कर रहा हूँ, तो पूछा था इसने क्या हाल हुआ था, पूछा था इसने मेरे को पहले करी थी। तुम्हारा कैसा लगा था भाई? तो गलती माना ना, पहली बार गलती हो गई थी, अब दोबारा फिर हो गई? अपने मर्जी से नहीं कर रहा हूँ ना, मम्मी को सब बात पता। देखो आपको एक संस्कारी बहू चाहिए थी ना, आप एक बार देख लो, मिल लो, कोई बात नहीं मम्मी छोड़ो, आप एक बार खुद ही मिल लो, देख लो, अगर आपको पसंद आए ठीक है, नहीं तो हम फिर छोड़ देंगे। मुझे लगता है 100% कि आपको लड़की पसंद आएगी। अरे मम्मी आप क्यों रो रही हो? मैं तो चारों तरफ से फंस जाती हूँ। अरे रोने से कुछ नहीं, आप शांत हो जाओ, रो मत, रो मत मम्मी, यानी समझाओ मत बच्चे को, रो लो, तू तो ममता में मरे जा रही है। पापा माहौल बना हुआ था शादी का, मतलब ऐसे डांट रहे हो मम्मी, वैसे करने है सारे काम तुम्हें, कुछ बाप के भी काम काम होते हैं यार, भी खुशी देख लो। कोई नहीं, एक बार आप मिल तो लो, जब बुलाओगे जब इधर मैं खुशी देखूंगा ना। तो अभी बुलाया तो अभी शादी नहीं हुई है ना, शादी से पहले आपको बुलाया तो गया, ठीक है फिर मैं मिलके आप एक बार मिलो, राधिका से आपको मिलवाता हूँ, राधिका के पापा से मिलवाता हूँ, अगर उनका बिहेवियर रहन सहन तरीका जो संस्कार होता है वो आपको नहीं पसंद आया तो ठीक है कैंसिल कर देना, पसंद आ जाए तो फिर बता देना, देखता हूँ मैं जैसी बात होगी वैसे करूंगा। कोई नहीं, आप तसल्ली से बैठो आराम से, वही बात होती है समझ, तेरे चक्कर में इनके चक्कर में मैं पिसती हूँ। पिछले की बात नहीं है यार, कम से कम तुम भी तो दिमाग से काम लिया करो कि तू काम ये काम करवा। मैंने तुम्हें बताया था, पापा को तो बुला, बताया तो था तुम्हें, क्यों बुलाया क्यों नहीं से जल्दी, इसीलिए तुम इससे क्यों नहीं कहती हो क्या, क्या कहते हैं ये काम करवा रहा है, हल्दी वल्दी करवा रहा है, तो अपने पापा को तो बुला। तुम्हें फोन करा तो था, तुम्हें खुद याद रहता नहीं रहता, जब कह रहे काम में लगे हुए वहाँ पे, गांव में एक आदमी का रहना पापा जरूरी है, वहाँ पे खेत हुए थे सब कुछ, कौन देखेगा? आप भी यहीं आकर के बैठ जाओगे तो वहाँ का क्या होगा? लोग लोग वैसे कब जाए, दो तीन चार दिन 10 दिन
अभी दो चार दस दिन के लिए तो ठीक है ना, लेकिन महीना महीना अगर सब यही रह जाएंगे तो वहाँ तो फिर लोग समझ लेंगे भाई ये लोग छोड़ करके दिल्ली शिफ्ट हो गए, चलो कब्जा कर लो इनका सब। मैंने तो तुम्हें वो हालत भी नहीं बताई जो इसकी यहाँ हालत हो रही थी, डिप्रेशन में रहता इतनी इतना बीमार पड़ गया था। यही तो तुम्हारी गलती है ना, क्या बताऊँ, तुम फिर टेंशन नहीं ले लो भागूंगा भाई, यहाँ है तो सही, हमें देखने वाले कम से कम एक दूसरे को देख तो लेते हैं। तो गाइस आप लोगों ने देखा पापा अलग ही चिल्ला चिल्ली कर रहे, मतलब यार मैं क्या करूँ, अब वो गांव में थे इधर, मतलब सब कुछ हो गया। मैं उनको मम्मी ने फ़ोन करके बताया भी था, लेकिन अब दोबारा वो कह रहे हैं कि राधिका और उसके पापा से वो मिलना चाहते हैं। मैं तो बस यही दुआ करूँगा कि राधिका और उसके पापा से जब भी बात हो इनकी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सही हो जाए, बाकी देखते हैं क्या होता है।